वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और अभी ना दिन लाइक सुबह तो नहीं बोलूँगी, दोपहर हो रही है, 12:30 के अप्रॉक्स हो रहे हैं। जस्ट नाउ मैंने नहाया है, एक साथ मैंने बहुत सारे काम किए। वैसे तो मैं डेली ऑलमोस्ट मुझे नहाते नहाते इतना ही टाइम हो जाता है, बट आज थोड़ा प्रोडक्टिव था बिकॉज आज मैंने दोनों वॉशरूम्स क्लीन किए, डस्टबिन गंदी पड़ी थी दोनों वो क्लीन की, सो थोड़ा प्रोडक्टिव था। इसलिए हेयर वॉश करना था एक्चुअली, इसलिए ये सारे काम भी निपटा लिए। एंड अभी मेरे दोनों बच्चे वॉशरूम में अपने टब में इंजॉय करते करते हल्ला करते करते नहा रहे हैं दोनों। एंड मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन या फिर मॉर्निंग में मैं जो भी फेस पर लगाती हूँ वो कंप्लीट हो गया है। एंड अब मैं जाऊँगी लंच की तैयारी करने के लिए। मेरा ओट फट गया यार, मतलब अभी ऐसा मौसम हो रहा है ना, गर्मी आ गई है, स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही है, ये लोटस का हर्बल सिंदूर। सो हाँ, आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ इडली एंड चटनी। और इस बार मैं ना एकदम अलग टाइप का सांभर बनाऊंगी। मैं हमेशा क्या करती हूँ, सारी सब्जियाँ और दाल एक साथ ही प्रेशर कुक करके बाद में तड़का दे देती हूँ, बट इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, सारी सब्जियाँ अलग से पकाने वाली हूँ कढ़ाई में, एंड दाल अलग से पकाऊंगी, फिर दोनों को कंबाइन करूंगी। सो देखते हैं कैसी बनती है इसका सांबर। एंड बस चलो किचन में चलते हैं। एक्चुअली मेरे किचन की भी 12 बजे पड़ी है, 12 हाँ बोल सकते हैं। ये देखिए, एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ये क्लीन नहीं किया, मैं दूसरी क्लीनिंग में लग गई थी। मैंने ना इसमें बनाया था बैटर, इसमें बनाया था, बट वो इतना ज़्यादा फूल के नीचे गिरने लग गया था, फिर मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया। इसमें सिर्फ इसमें ही बनाया था, तो ऑलमोस्ट देखेंगे अब तो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है फर्मेंट होकर के। तो मैं अभी ये वाला बैटर तो फ्रिज में डाल दूंगी एंड इसका अभी कुक करूंगी। फर्मेंटेशन तो बड़ी अच्छी हुई है, तो ऐसा लग रहा है आज की इडली एकदम मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनने वाली है। सो पहले मैं करूंगी किचन की थोड़ी क्लीनिंग, क्योंकि पोहे बने थे हमारे लिए, बने थे पोहे, राम के लिए बना था चीज़ पराठा, तो किचन थोड़ा सा फैला हुआ है। ये पहले मैं सॉर्ट कर लेती हूँ एंड फिर वेजिटेबल चॉपिंग स्टार्ट करूँगी। एंड स्किन अच्छी लग रही है ना मेरी, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ स्पेशल, वही नॉर्मल जो स्किन केयर रूटीन है ना वो। हाँ अभी मैं अच्छा खाने लग गई हूँ, लाइक अच्छा बोले तो दिन में एक बार ही मैं जूस पीती हूँ, ABC जूस, जिससे कि स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आता है। इसलिए तो नहीं, 5 दिन हो गए मुझे पीते पीते, होपफुली शायद इसलिए अच्छी लग रही है स्किन, अच्छी लग रही है ना। सो बस अभी किचन में ना मैं साफ़ सफाई पहले करने लग गई थी कुकिंग करने से पहले, और टिमटिम का भी अभी ब्रेक चल रहा है, ईयर ब्रेक, हाँ ईयर ब्रेक, सेशन ब्रेक बोल सकते हैं आप, हाँ सेशन ब्रेक चल रहा है, तो वो भी अभी फ़िलहाल घर पर ही थी। और ना मुझे सबसे कंफर्टिंग फूड लगता है साउथ इंडियन, और मैं अभी जिस दिन ये शूट कर रही हूँ ना, मतलब शूट नहीं सॉरी वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस दिन भी मेरा मन कर रहा है काश यार अच्छा साउथ इंडियन खाना खाने को मिल जाता, बट आज मैंने कुछ भी रेडी करके ही नहीं, मतलब बैटर वगैरह कुछ रेडी है ही नहीं, तो जल्दी से फिर से रेडी करूँगी और मे बी शायद कल वल बनाऊँगी फिर से। सो एक्चुअली ये जो क्लिप मैंने थोड़ी दिन हो गए यार, आई थिंक 10 डेज हो गए, मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी, मेरे पास 2-3 व्लॉग्स के कंटेंट है बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। सो आज फाइनली टाइम निकाला कि नहीं चलो एडिटिंग करेंगे, और मेरे घर के पास में कहीं लाउड स्पीकर माइक में पूजा होने लग गई, तो मुझे पता है बीच में वो भी शायद आवाज़ इंटरप्ट कर रही होगी, बट यार अभी मैं और डिले नहीं कर सकती, क्या पता ये पूजा कब तक चलेगी क्या होगा, तो फिर इतना अब और डिले नहीं करना, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं वॉइस ओवर, थोड़ा बहुत ही आवाज़ आएगी ही तो कोई बात नहीं। सो मैं तुअर दाल में बनाती हूँ, जो ये हमारी क्या सांभर होती है ना, और देखो मुझे नहीं पता एक्चुअल सांभर की रेसिपी ये होती है, मैं तो बस एक अपने तरीके से बना रही थी जो कि काफ़ी हेल्दी वे है, आप देखना ही पूरी रेसिपी, और इतनी माउथ वाटरिंग है, मतलब एडिटिंग करते टाइम भी मेरे को लगा यार क्या सही थी, फिर से सारी सब्ज़ियाँ ना आज क्या है वापस से रीस्टॉक करूंगी सब्जियां और फिर से जल्दी से ये सांभर बनाऊंगी। क्या होता है इसके साथ ना राइस भी बहुत सही लगता है, कोई सब्जी वब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें इतनी सारी वेजीज डाल रहे होते हैं, तो सब्जी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड नॉर्मल राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे दोनों बच्चे भी इसको खाते हैं और हस्बैंड को तो अच्छा लगता ही है, तो एक बार ये आप ना ये जो तरीका है इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग किस तरीके यही तरीके से आप बनाते हैं, कि जो मैंने पहले आपको बताया था कि मैं सारी चीज़ें एक साथ प्रेशर कुक कर लेती थी वैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो आगे ना मैं फटाक से आपको ना इसकी रेसिपी दिखाती हूँ। ये सब्जियाँ निकाली है मैंने सांभर के लिए, ड्रम स्टिक, कैप्सिकम, कद्दू,
एक आलू, प्याज, अदरक एंड ये बहुत ही पुराना गाजर हुआ है, इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी, ये फ्रेश गाजर। एंड ये मैंने मेरे जूस के लिए रखा है, एबीसी जूस के लिए, जो कि मैं या तो लंच के पहले ही मोस्ट प्रोबेबली लूँगी। एंड ये टमाटर भी जाएगा इसमें। यहाँ सारी सब्जियाँ काट ली है मैंने, प्याज काट लिया है एंड अदरक और लहसुन को भी इस तरीके से चॉप कर लिया है, टमाटर नहीं काटा। और फ़ोरन में डालने के लिए मैंने ये रखा है जीरा, मेथी और सरसों दाने, और साथ में थोड़ा हींग और सरसों का तेल डाला मैंने। और मैंने ना टमाटर इसलिए डाला कि मैंने बाद में, मुझे याद आया कि मुझे तो इसमें टैमरिन मतलब ये क्या इमली डालनी है, तो इसलिए मैंने फिर ना टमाटर नहीं कट किया, मैंने इसमें इमली डाला, इमली का पानी, उसको थोड़ा गर्म पानी में भिगो करके रख दिया था इमली को। फोरन डाला सबसे पहले, हींग डाला एंड फिर उसके बाद में जो मैंने अदरक और लहसुन चॉप करके रखा था ना वो डाल दिया, फिर प्याज डाला, प्याज को अच्छे से पहले भूना और फिर उसके बाद में जितनी भी वेजीज है ना वो सारा डाला। वैसे इसमें ना मेरी मम्मी बैंगन भी डालती थी सांभर में, बट मैं बैंगन नहीं, मुझे बैंगन एक्चुअली पसंद नहीं है, बट फिर भी खा लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा मेरे तरीके से बनाती हूँ, मेरी मम्मी थोड़ा सिंपल बनाती थी शायद, मतलब ज़्यादा मसाले नहीं डालती थी, तो इसलिए मैं बैंगन बचपन में नहीं खाती थी, बट अब मैं खाती हूँ बैंगन। सो मम्मी तो इसमें बैंगन डाल, बट मैंने नहीं डाला इसमें, वो भी डालती हूँ मैं क्या लौकी, बट आज लौकी नहीं थी, कद्दू था, तो कद्दू ज़्यादा बेटर होता है आई थिंक लौकी से, थोड़ा सा वो मीठा सा एक टेस्ट भी आता है सांभर में। सो एक तरफ जब तक सांभर का वो प्याज भून रहा था, मैंने सोचा जल्दी से जो इडली है उसको भी चढ़ा देते हैं बनने के लिए। एक बार में चार इडलियाँ बनती हैं और काफ़ी डिसेंट साइज़, बड़ी बड़ी साइज़ की बनती हैं ये इडलियाँ। सो ये रख दिया बनने के लिए। एंड कई बार मैं पता क्या करती हूँ, जब इडली बनने में बहुत टाइम लग रहा होता है तो मैं साथ में ना स्पंज डोसा भी बना देती हूँ, मेरे बच्चों को स्पंज डोसा भी काफ़ी सही लगता है, बट इस बार क्या मेरे पास बहुत टाइम था तो मैंने सोचा चलो इडली ही सिर्फ बनाते हैं। सो जब प्याज जो था वो अच्छे से थोड़ा भून गया, उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी सारी सब्जियाँ, और सब्जियाँ डालने के बाद में ना तुरंत मतलब थोड़ी देर में सॉल्ट और टर्मरिक डाल देती हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है सॉल्ट डालने से ना सब्जियाँ थोड़ी, कोई भी चीज़ जल्दी पक जाती है, तो मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि जो हल्दी नमक है वो थोड़ा जल्दी डाल दूँ, ताकि जो कुकिंग की प्रोसेस है ना वो थोड़ी सी स्पीड अप हो जाए। एंड ये ड्रम स्टिक काफ़ी सही लगता है, इसकी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है और सांभर में भी अच्छा लगता है। जैसे ही सब्ज़ी थोड़ी मतलब ऑलमोस्ट सब्जियां सारी कुक हो गई ना, तो मैंने थोड़ा सा एक कटोरे में निकाल लिया आराम के लिए, क्योंकि सब्जियां जैसे ही कम्प्लीटली कुक हो गई थी तो उसके बाद मैंने इसमें ना सुहाना का ये सांभर मसाला डाला, और ये सांभर मसाले में इटसेल्फ मिर्ची होती है, तीखापन होता है, तो मैं नहीं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि मैं तीखा बना दूँ और वो खाए ही ना, मैंने इसलिए उसके लिए थोड़ी सी सब्ज़ी पहले ही निकाल दी, जिसमें मैं उबली हुई दाल डाल के उसके टाइप का सिंपल सांभर बना दूंगी। एंड हम लोगों के लिए ये थोड़ा सा मसाले वाला सांभर हो जाएगा। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा ये सांभर मसाला और डाला, इमली का पानी, मैंने इमली को जो भिगो के रखा था गर्म पानी में उसको अच्छे से मैश करके डाल दिया,
फिर थोड़ा सा और पानी डाल के इसको ढक के रख दिया ताकि मसाला नीचे से चिपके ना, और ये जो सब्जियां स्पेशली जो ड्रम स्टिक है वो मसाले में एकदम अच्छे से पक जाए ताकि उसमें अंदर तक के मसालों का जो टेस्ट है वो आए। तो यहाँ पर ड्रम स्टिक भी अच्छे से बन गया था, सारे मसाले भी अच्छे से पक गए थे। और मुझसे आप लोग पूछते हैं मैंने ये कढ़ाई कहाँ से ली, ये मैंने लोकल शॉप से ली और काफ़ी हैवी कढ़ाई है, मुझे लगता है शायद 3-4 किलो की होगी एक कढ़ाई। तो कई बार ऐसे नीचे से थोड़ा पकड़ भी लेता है ना तो क्लीन करना बहुत ईजी होता है, ये बिल्कुल भी जलती नहीं है। और मैं घी इसी में बनाती हूँ, और जब तक के सांभर में उबाल आ रहा था मैंने मेरा ये जो ABC जूस है ना ये बना लिया। तो इस जूस का ना वेट लॉस से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जब तक के हम क्लीन ईटिंग प्रॉपर डाइट और कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो किसी जूस से वेट लॉस नहीं हो सकता। तो मैं अभी बाकी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो सोचा कि हेल्दी ही कुछ डाइट में अपने इंक्लूड करूँ, जैसे कि ये जूस वगैरह हो गया, सलाद वगैरह। तो मैं अब ये पतला होने के इंटेंशन से नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रीति वेट लॉस के लिए जल्दी से शेयर करो यार, मैं सोचती हूँ यार एक हफ्ते भी कंटिन्यू नहीं हो पाता, और मैं जब थोड़ी कंटिन्यू हो जाऊँ तब शेयर करूँ तो समझ में भी आता है ना, बस राम थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि वो टाइम नहीं देता यार मुझे बिल्कुल भी। सो करूँगी बहुत जल्दी वो सब भी आपके साथ में शेयर। सो ये देखो ये मेरी जो थाली है ना रेडी हो गई है, ये पीनट की चटनी की रेसिपी बहुत बार शेयर की है मैंने, इसके बिना अधूरा है जो ये प्लेटर है ना ये पूरा। एंड सबसे पहले मैंने मेरा जो सांभर था ना वो टेस्ट किया है, इतना टेस्टी था। और यहाँ पे मैंने अपने बालों को अपने गाउन के अंदर डाल लिया है क्योंकि मेरे को इतनी भूख लगी थी, मैं चोटी करने नहीं गई, मैंने कहा ना बालों को गाउन के अंदर पीछे से ऐसे टक इन कर लेती हूँ ताकि बाल सामने सामने नहीं आएंगे। सो मैंने 2 कटोरी सांभर खाया, काफ़ी सही बना था, मतलब मैंने इस हिसाब से बनाया था कि शाम को भी हम खाएंगे, बट हमारा डिनर मतलब लंच टाइम पर ही सारा खत्म हो गया था। मैं व्लॉग कर रही थी ये मैं भूल ही गई थी, अभी ना 7:30 बनने वाला है। एक्चुअली मैं नीचे वॉक पे जाने वाली हूँ, वॉक क्या मतलब राम को घुमाने, बेसिकली मम्मा ड्यूटीज करने जाने वाली हूँ। सो मुझे याद आया यार मैं तो व्लॉग कर रही थी। सो उस वक्त खाना खाया एंड हम लोगों ने एक सीरीज है, मामला लीगल है मतलब ठीक है, सीरीज टाइम पास है, मज़े से देख सकते हैं, खाना खाते खाते इन्जॉय कर सकते हैं। 8 एपिसोड्स थे, हम लोगों ने 3 डेज में देखा, मतलब ऐसी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि आज ही ख़त्म करना है, आज ही ख़त्म करना है, ऐसे ही नहीं है। तो इसलिए 3 दिन में हमने वो आज सीरीज कंप्लीट की अप्रूव नेटफ्लिक्स पर है। और बस फिर उसके बाद में चाय का टाइम हो गया, चाय वह भी एंड फ्रेशन अप होके और मैं बस अब रेडी हो रही हूँ नीचे जाने के लिए, चेहरा धोकर आती हूँ पानी से एंड फिर क्रीम व्रीम लगा करके निकलते हैं। मोस्टली मैं मेरी वॉकिंग वाली ड्रेसेस पहन कर ही जाती हूँ शाम को नीचे, मोस्टली कभी कभी वन पीस पहन लेती हूँ मन करता है तो, बट आज मैं वॉकिंग वाली ड्रेस पहनूंगी। मैंने नेक ये टिमटिम का जो मैंने हैदराबाद से लिया था ना रियल पर्ल वाला, ये टिमटिम का था मेरा, तो वो पूरे पर्ल्स वाला है। मुझे ना लेने के बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये ज़्यादा, खैर वो तो अपने आप में बहुत सही है लाइक सूट साड़ीज वगैरह में सही लगता है, बट ये भी काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे। तो मुझे अभी ये दिखा रहा है, सोचा मैं पहन लेती हूँ टिमटिम, देख रही मम्मा आपने मेरा पहना है, चलो मैं आती हूँ फेस वॉश करके। एक्चुअली पता मेरी यहाँ की लाइट है ना इसमें फेस बहुत ही अच्छा आता है, इतना अच्छा है नहीं मेरा फेस जितना अच्छा इस लाइट पे दिखता है। सो मैंने बेड पे रख दिया, बुरी हैबिट मैं करूँगी तो मेरे बच्चे भी करेंगे क्योंकि टिमटिम करने लग गई है बेड पर, यूज टॉल फेंकने लग गई है, मेरे हस्बैंड कभी नहीं फेंकते। जनरली लोगों के यहाँ हस्बैंड जैसे होते हैं जो बेड पे गीले टॉवल्स रखते हैं, बट मेरे हस्बैंड कभी नहीं रखते। मैंने मेरी नाइट क्रीम ही लगा ली एज मॉइस्चराइजर क्योंकि अब शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है। टिप्सी का लिप एंड चीक ऑयल जो कि हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता है एंड स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग है ट्रांसपेरेंट, लेकिन आप जब इसको लगाएंगे ना तो आपकी जो कलर है, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपके बॉडी का जो पीएच है, उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑयल है ना ये कलर चेंज करता है और आपको ऐसा लुक देता है। कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम ग्लोई ग्लोई। चलो मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ। यस सो कर लिया मैंने चेंज, मेरी ये टी शर्ट पहनी है, नीचे जॉगर्स जो होते हैं ना वो पहना है।
बाल अभी फिलहाल थोड़े टाइम के लिए ओपन रखूंगी, क्लचर रख लूंगी पॉकेट में, क्योंकि यार आज हेयर वॉश किया तो थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर लेती हूँ। वैसे इतने अच्छे नहीं है फ्लॉन्ट करने लायक, बट थोड़ी देर बाल खोल के घूमूंगी फिर क्लच कर लूँगी। चलो राम को मैंने एक्चुअली कुछ खाने को दिया था, पानी दे देती हूँ। फिटू मीन्स लेफ्ट है ना, डोंट टच डोंट टच, बॉइल हो गया है सर पे। हाँ दर्द हो रहा है, मम्मा आज मेडिसिन ले आएगी। ओके से यस।